नॉर्मल मीडिया ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। ये बात जहन नशीन रखिएगा कि हजरत इंसान को मुसलसल तवासो के ज़रिए से हिदायत पे कायम रखा जा सकता है और हमें इस बात का हुक्म दिया गया कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पर कि आप तवासो बिलहक के अमल को जारी रखें। और जब किसी मुआशरे के अंदर लोग वसीयत करना छोड़ देते हैं, खैर की बात बतलाना छोड़ देते हैं, तलकीन छोड़ देते हैं, तो फिर उसका नतीजा ये होता है वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं, उन मुआशरों की अखलाकी अकदार ख़त्म हो जाती हैं और वहाँ से सालहियत के चराग बुझ जाते हैं और वो मुआशरे इंसानों का एक अम्भोह होते हैं और बेहंगम लोगों का एक हुजूम होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होते। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को खैर की, हक की, अच्छाई की तलकीन करें। उस्ताद की ये जिम्मेदारी है, बच्चा मस्जिद में जाता है तो इमाम खतीब ये जिम्मेदारी निभाता है। तो हर जगह से जब उसको तलकीन खैर की जाती है तो फिर वो खैर की राह पे गामजन होता है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आज किसी को कहने का वक्त नहीं रहा, किसी को कहने का ज़माना नहीं रहा। तो ठीक है, अपने घर में कुछ छाछ बजाए या छलनी, हमें क्या गर्ज। और हमारे पंजाबी में कहते हैं सानू ही लगे। तो ये जो एक तसव्वुर पैदा किया गया कि सानू की लगे या अपने घर में कुछ छाछ बजाए या छलनी बजाए, हमें क्या इससे गरज, तो इसने मुआशरे को बुराई का रास्ता दिया है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कितनी खूबसूरती के साथ इस चीज़ को बयान फरमाया कि लोग सफ़र पर गामजन हैं और बहरी सफ़र है, और कश्ती में लोगों ने अपनी अपनी जगह तय कर ली कि ये मेरी जगह है और ये आपकी जगह है, और एक शख्स अपनी ही जगह में जो उसके लिए मखसूस हो गई सुराख करने लग जाता है। और अगर सारे ये कहते हैं कि हमें क्या लगे, वो अपने हिस्से की जगह में सुराख कर रहा है, उसका हाथ नहीं पकड़ते, उसको रोकते नहीं, तो फिर वो तो डूबेगा ही डूबेगा, तो ये भी सारे डूबेंगे। तो अगर ये उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो नतीजा क्या है कि वो भी बच जाएगा और इनकी जान बख्शी भी होगी। और इरशाद की हज़रत सहल बिन साद सादी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मरवियात से है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तते फ़बिकल्बिही वज़ालिका अदअफुल ईमान और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स जुल्म, बुराई, गुनाह होते देखे तो वो हाथ से रोके, कुव्वत बाजू से मना करे, और अगर उसके पास ये ताकत नहीं है तो ज़ुबान से रोके, और अगर ये सलाहियत भी नहीं रखता तो दिल से बुरा जाने। और फरमाया ज़ालिका अदअफुल ईमान, ये कमज़ोर तरीन ईमान की अलामत है। उलमा ने लिखा कि हाथ से रोकना ये उन लोगों का ज़िम्मा है जिनके पास कुव्वत हाकिमा है, कुव्वत नाफिज़ा है। ज़ुबान से बयान करना ये उलमा की ज़िम्मेदारी है। अवामुन नास बुराई से हट जाएंगे पीछे और ऐसे शख्स का साथ नहीं देंगे। और हम रोज़ अपने रब से ये अहद करते हैं, व नख लाओ व नत रोको मैं यफ जो रुक, ये हमारा अहद है जो हर रोज़ अपने रब से हम कर रहे होते हैं। मालिक, जो तेरे हुक्मों को तोड़ने वाला है, तेरी शरीयत का बागी है, तेरे अहकाम से रूगर्दानी करने वाला है, हमारा उससे कोई ताल्लुक रब नहीं होगा। और ये हमारा अहद नमाज से बाहर भी हो और इसके रंग हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हों तो फिर बुराई की हौसला शिकनी हो और मुआशरे के अंदर बुरे को कभी भी दादो तहसीन की निगाह से ना देखा जाए तो फिर हौसला शिकनी होगी बुराई की और खैर फैलेगा। फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, हमें ये तलकीन की गई है कि आप लोगों को नसीहत करते रहें, नसीहत लोगों को फ़ायदा देती रहेगी। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।